हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग एजे में। तो आज हम लोग फिर से घूमने निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मेरे होम टाउन मांडवी से माता नमठ जाके हम लोग आशापुरा माँ के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग एक दूसरी जगह है वहां पर भी जाएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये है नखत्राणा का बस स्टैंड। हम लोग नखत्राणा पहुंच चुके हैं। तो थोड़ा थक गए थे ट्रैवलिंग करके, तो इधर रुके थे, तो मेरे सामने ही ये बस स्टैंड था, तो सोचा कि चलो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको कई सारी बसेस मिल जाती है मांडवी के लिए, भुज के लिए, माता नमठ के लिए। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप नखत्राणा आते हैं तो यहाँ पर जरूर ये दाबेली ट्राई करें। इस फूड वाले की दाबेली है और बहुत ही फेमस दाबेली है। और कच्छ में घूम रहे हो और दाबेली ना खाओ तो आपकी ट्रिप अधूरी रहती है। चलिए टेस्ट करके आपको बता दूँ कैसी है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट बहुत ही अच्छा है, ये यहाँ पर बहुत फेमस है दिलखुश दाबेली वाले। तो नखत्राणा से जाते हैं माता नमठ, यहाँ पर रुक के जरूर आप ये ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बस स्टैंड के सामने ही है, आपको मैं बस स्टैंड भी दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर इनकी शॉप है और उस तरफ सामने की ओर बस स्टैंड है। तो जब भी आप इस तरफ जाएगा तो माता नमठ की ओर जा रहा है रास्ता। अगर आप माता नमठ जाते हैं तो रास्ते में यहाँ पर ये नाश्ता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम माता नमठ पहुंच चुके हैं, तो चलिए अंदर जाके दर्शन करते हैं। और शायद अंदर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो आपको मैं अंदर से तो दर्शन नहीं करवा सकता हूं, लेकिन बाहर कंपाउंड से आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा कैसा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम लोग मंदिर के कंपाउंड में आ गए हैं, हमने अंदर जाके दर्शन कर लिए हैं मंदिर के अंदर। और अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको अंदर से तो कुछ नहीं दिखा सकता, लेकिन मंदिर के आसपास का जो कंपाउंड है वो आपको दिखाता हूं और आपको बाहर से ही मंदिर के दर्शन करवा देता हूं। ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पर पिकनिक के लिए आए थे।
तो फ्रेंड्स, आपको मंदिर के कंपाउंड में ही आपको एटीएम की भी सुविधा मिल जाती है। सामने आप देख सकते हैं एसबीआई का एटीएम भी है यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है और यहाँ पर प्रसाद लेने की भी व्यवस्था है। तो अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको रूम भी मिल जाता है, अतिथि गृह लिखा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं। तो ये है पूरा कुछ अंदर का कुछ एरिया। और हाँ, यहाँ पर बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक भी है, अंदर ही अंदर बैंक है। और ये मेन गेट है मंदिर के टेम्पल का, और ये पूरा यहाँ का कंपाउंड है। आज भी बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रसाद लेने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरफ है मंदिर, और मंदिर के इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पर आपको भोजन सारा मिलेगी, जहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। आपको डिशेस वगैरह बाहर ही मिल जाएगी, और डिश लेके आप अंदर प्रसाद का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर अभी काम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि अभी रिनोवेशन का काम भी यहाँ पर शुरू है। तो चलिए अभी चलते हैं, हम भी प्रसाद का आनंद लेते हैं अंदर जाके। चलिए, तो फ्रेंड्स अभी हमने डिश ले ली है और अंदर जाके अभी प्रसाद लेंगे। अभी हमने प्रसाद का आनंद ले लिया है, और चलिए अभी मैं आपको बाहर जाके मार्केट दिखाता हूँ पूरी। तो फ्रेंड्स, आप मंदिर से बाहर निकलोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर यह मार्केट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कई सारी शॉप है जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। ये थी माताना मठ की मार्केट, और अभी हम जा रहे हैं जगोरा भवानी टेम्पल, जो कि आशापुरा माँ का ही एक टेम्पल है, जो कि माउंटेन के अंदर है, थोड़ा केव जैसा बना हुआ है। तो चलिए अब वहाँ जाके आपको वो टेम्पल भी दिखाते हैं।
तो ये एक छोटा गांव है और ये ऑफ रोड ये गांव से गुजरते हुए ही अंदर जा रहा है, जो हमको लेके जाएगा जागोरा भवानी टेम्पल, जो कि आशापुरा माँ का ही एक टेम्पल है जो कि माउंटेन के ऊपर है और माउंटेन के ऊपर अंदर केव जैसा बना हुआ है, वहाँ पर उसकी प्रतिमा मिली हुई है पहले से, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ऑफ रोड है, लगभग 3 किलोमीटर अंदर है ऑफ रोड। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस रास्ते से आए हैं, पूरा कच्चा रास्ता है और बीच बीच में एक ही दो साइन ऐसा आया है जहाँ पर मंदिर की तरफ जाने का रास्ता दिखाया है। तो आप देख सकते हैं ऐसा साइन बोर्ड आता है, जगोरा माता जी नु डूंगर आ तरफ, तो जगोरा माता जी का जो टेम्पल है वो इस तरफ है ऐसा दिखाया है। तो यहाँ से लगभग 4 मिनट या 5 मिनट के बाद हमारा लोकेशन आ जाएगा। तो ऐसा कुछ लोकेशन आप देख सकते हैं, अगर आप कच्छ के नहीं हो तो अकेले मत आना, किसी को लेके आना जो कि यहाँ का लोकल आदमी हो। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑफ रोडिंग रोड है, पूरा कच्चा रास्ता है। तो आते हैं तो थोड़ा ध्यान से आओ, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी अकेले मत आओ। चलो, मैं तो कच्छ का रहने वाला हूँ तो मैं तो, मुझे यहाँ की कच्ची भाषा भी आती है, कोई भी मिलेगा तो मैं कच्ची भाषा में उससे बात करके रास्ता निकाल लूँगा। चलिए, तो अभी मिलता हूँ मंदिर के पास। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जगोरा माता जी टेम्पल के पास और हमने वहाँ पर हमारी गाड़ी रख दी है और वहाँ पर पास में ही अभी तो यहाँ पर प्रसाद वगैरह भी मिलना शुरू हो गया है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता था, मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी वाइफ है जो यहाँ पर सेकंड बार आ चुकी है और उन्होंने ही मुझे ये लोकेशन दिखाया अभी। तो चलिए, अभी यहाँ से इसके स्टेप है जो कि ऊपर तक जाते हैं माउंटेन के ऊपर, तो अभी चलते हैं और हमारी गाड़ी वहाँ पर रख दी है हमने। अगर यहाँ पर आते हैं तो अपने साथ पानी वगैरह या फिर कुछ नाश्ता भी साथ में रखिए, ताकि आपको पानी की ज़रूरत तो पड़ सकती है, नाश्ता नहीं लेके आते तो चलेगा। तो चलिए, अभी ऊपर चलते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं। आते हो तो जरूर अपने साथ पानी की बोतल कैरी करें, क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको पानी की जरूरत पड़ सकती है। चलिए, अभी वहां तक जाना है, आप देखिए वहां पर ध्वजा लहरा रही है मंदिर की, तो अभी वहां तक जाना है। आते हैं तो पानी की बोतल जरूर लेके आइए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बहुत ऊपर आ चुके हैं, वहाँ पर हमारी गाड़ी है जो आपको वो शॉप दिख रही है ना, जहाँ से प्रसाद वगैरह मिलती है, तो वहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के इस तरफ आ गए हैं। अभी भी थोड़ा बाकी है, तो चलिए अभी मैं डायरेक्ट ऊपर जाके आपको मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं माउंटेन के ऊपर। हम लोग वहां से कहीं से नीचे से आए हैं और नीचे से आपको ये फ्लैग दिख रही होगी, तो इस फ्लैग के पास आओगे तो ये आप टेंपल के पास पहुंच गए, ये समझ लीजिए। यहां से भी सीधा रास्ता है और इस तरफ ये आपका टेंपल आ जाता है। तो चलिए, अभी अंदर जाके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो हम लोग टेंपल के पास आ गए हैं और लगता है कि इस माउंटेन के अंदर टेम्पल है, तो चलिए अंदर जाके आपको दर्शन करवाते हैं। यह है यहाँ का छोटा सा गेट लगा हुआ है और टेम्पल के अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ का त्रिशूल लगा हुआ है और ये टेम्पल इस माउंटेन के अंदर है यहाँ पर। चलिए, यहाँ से चलते हैं अंदर।
और इस तरफ टेंपल है, जय माता जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से आए थे और इस तरफ हमने दर्शन किए वहाँ आशापुरा के। तो चलिए, अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। दर्शन करके वापस आ गए हैं और यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि अभी मैं और मेरी वाइफ इधर थे और अभी थोड़ी देर बाद अभी दो कपल दूसरे आए और हमको एक फैमिली नीचे भी मिली। तो शायद पूरे दिन में कितने लोग आते हैं मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी ये जगह भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है, क्योंकि कई सारे लोग इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और यहाँ का वीडियो डाल रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे। तो अभी आप भी कभी कच्छ आते हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करिए। माता नमठ का जो मेन टेम्पल है आशापुरा माँ का, उनसे लगभग 5 से 4 किलोमीटर ही दूर है। 1 किलोमीटर आप हाईवे तक आओगे और फिर 3 किलोमीटर शायद ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है। तो ये टेम्पल ये माउंटेन के ऊपर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए अभी वहाँ जाके आपको पूरा माउंटेन का व्यू दिखाता हूँ। और हम नीचे जाके, नीचे अभी एक प्रसाद की शॉप बनी है, वो भी शायद अभी अभी बनी होगी। चलो नीचे जाके उनसे बात करते हैं और इस टेंपल के बारे में कुछ जानते हैं। वहाँ पर टेंपल है और वहाँ से आपको पूरा ये इस तरफ का व्यू दिखाता हूँ। तो अभी तो दोपहर के शायद 2 या 2:30 बज रहे हैं, तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। लेकिन आप ये सोचिए कि जब सनसेट हो रहा होगा वहाँ पर सामने, तब शाम के समय यहाँ से जो व्यू आता होगा, अमेजिंग व्यू आता होगा। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे वापस और वहाँ पर जो भैया है उनसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वहाँ से ऊपर से दर्शन करके इस तरफ आ गए हैं और यहाँ पर आपको ये एक शॉप मिलेगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। तो जयेश भाई यहाँ पर आपको मिलेंगे जो यहाँ पर ये प्रसाद बेचते हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद खरीद के ऊपर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर चुन्नी भी मिलेगी। तो जयेश भाई, आप कितने बजे शॉप खोलते हो? सुबह 9 बजे से? सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक ये यहाँ पर रहते हैं, ये शॉप खुली रहती है। यहाँ पर पानी भी मिलता है, यहाँ पर आपको कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए तो वो भी सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। और अभी धीरे धीरे ये पूरी जगह भी डेवलप होना शुरू हो गई है। पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था ना, सिर्फ टेम्पल ही था पहले, यहाँ पर सिर्फ टेम्पल था। अभी धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रहा है। जयेश भाई ने अभी यहाँ पर दुकान खोल दी है, वहाँ पर भी एक शायद शॉप शुरू होने वाली है। तो दुकान बनी थी हाँ जी जय, तो वो शॉप भी जयेश भाई की है शायद। उधर भी कुछ नाश्ता पानी का कुछ खोलने का सोचा होगा उन्होंने, चाय पानी मिलेगा। अभी धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब अगर आप यहाँ पर कच्छ में आते हैं और माता ना मठ आते हैं तो इस तरफ भी आइए, शायद 4 से 5 किलोमीटर ही दूर है, 3 किलोमीटर ही दूर है। थोड़ा आपको कच्चे रास्ते से अंदर आना पड़ता है, तो आप जरूर यहाँ पर आइए। हमने यहाँ से जयेश भाई से पानी की बोतल ली है, एक कितने का है ये? 20 रुपए की बोतल मिल गई है हमको यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया माता नमठ का जो मेन टेंपल है आशापुरा माँ का, और अभी यहाँ पर आए ये भी टेंपल के आपके दर्शन करवा दिए। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं हम लोग और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता जी।